बहुत समय पहले मैंने पृथ्वीराज चौहान पर कुछ पंक्तियां लिखी थी और इन पंक्तियों को आज आपके सामने पेश करने का मौका मिल रहा है, तो समय को गंवाना नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन अफसोस उसे अभी तक एक अच्छे वीडियो में तब्दील नहीं कर पाया, लेकिन आज आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो बताना आपको ये पंक्तियां कैसी लगी। कि हे चौहान तेरी गूंज से दुश्मन थरथर कांपे है, हे चौहान तेरी गूंज से दुश्मन थरथर कांपे है, बज जाए तेरी तलवार तो रण से बेरी भागे हैं, मौत भटक ना पाए पास में रण भेरी बजाए है, ऐसे साक्षात काल सा सर्वनाश करे यमराज को जैसे, उठे जब जब तेरी शमशीरे संग तेरे रण चंडी चलती है, उठे जब जब तेरी शमशीरे संग तेरे रण चंडी चलती है, कटते गाजर मूली की तरह वो पल में निगलती है, दिखा उदारता तुम रण में छात्र धर्म का मान रखते हो, सो सो बार चित हुआ गोरी तुम माफ करने का साहस रखते हो, पीठ पीछे वार कर वो अपनी कायरता दिखाते हैं, घर का भेदी लंका ढाए ये कहावत सच बताते हैं, आंखों से भले ही अंधे हो तुम एक और महान काज करते हैं, जब चंद्र बधाई ने ये जब घटना कह रहे थे पृथ्वीराज जी को, क्योंकि उस समय मोहम्मद गोरी के कैद में पृथ्वीराज जी आ चुके थे, पृथ्वीराज जी की आंखें जो है उस क्रूर शासक ने निकाल ली थी, तब चंद्र उनके पास आकर ये कहते हैं कि आंखों से भले ही अंधे हो तुम एक और महान काज करते हैं, सर्वनाश करो इस पापी का चंद्र ऐलान करते हैं, सर्वनाश करो इस पापी का चंद्र ऐलान करते हैं। ये पंक्तियां मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, आंखों से भले ही अंधे हो तुम एक और महान काज करते हैं, सर्वनाश करो इस पापी का चंद्र ऐलान करते हैं। आगे की पंक्तियां सुनेगा, भेद दिया पिथोरा ने गोरी को सबके सामने, बंधन मुक्त हुए वो वीर चंदर के साथ में, अदम्य साहस के खातिर स्वर्ण पन्ना अपने नाम करते हैं, ऐसे अडिग धर्म के वीरों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे अडिग धर्म के वीरों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे अडिग धर्म के वीरों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे अडिग धर्म के वीरों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।